टिप्स। वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। रिटन और डिटेल रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट foodcollections.mathulika.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, आपने पकौड़े तो बहुत खाएंगे, पर आज हम नए तरह के पकौड़े बनाएंगे। यहाँ ये सरप्राइज पकौड़ा है, ये अभी आप खाएंगे तो इसके हर बाइट में नया टेस्ट मिलेगा और आप इसे बहुत ही एंजॉय करेंगे। चलिए बनाते हैं सरप्राइज पकौड़ा। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन, सूजी, चावल का आटा, ये नूडल्स मैगी है जिसे हमने मसाले में बॉईल कर लिया है और छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, उसे डाला। अब ये फूल गोभी है जिसे मैंने छोटा बारीक काट लिया। ये पनीर है, का बना पनीर है। अब ये छोटे छोटे कटे हुए बारीक आलू हैं, बारीक कटी प्याज, बारीक कटी पत्ता गोभी, हरा धनिया, पिसी हुई अदरक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक, काला नमक और अजवाइन के दाने डालेंगे और गरम मसाला। अब इसे बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे हिलाएंगे। इन्हें हमें बहुत धीरे से हिलाना है क्योंकि हमने इसमें पनीर और नूडल्स डाला है, वह रहे इसमें मैश नहीं होने चाहिए। इस तरह से हिलाएं कि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालें और एक बैटर बनाएं। ये पकौड़े जब आप बनाएंगे तो ये आपको और सबको बहुत ही पसंद आएंगे, इन्हें आप जरूर बनाइएगा। अब इसे करीब 5 मिनट के लिए हमें साइड में रखना है। अब इसे खोलें और 1 चम्मच गर्म तेल में बेकिंग सोडा डालें और इसे बैटर में मिलाएं। ऐसा करने से पकौड़े और भी क्रिस्पी बनेंगे और इसे धीरे से हिलाएं। देखिए, हमारा पकौड़े का बैटर है, वह इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, तभी हमारे पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब इन पकौड़ों को तेज तेल में तलें। ध्यान रहे कि हमारी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रहनी चाहिए और ये अनइवन होनी चाहिए, इससे पकौड़े और भी क्रिस्पी बनेंगे। जब पकौड़े आप खाएंगे आपको बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्ट आएगा और क्रिस्पीनेस में मार्केट के पकौड़ों को भी आप ये मात करेंगे। अब इन्हें पलटें और दूसरी साइड से भी तलें। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इन्हें दोबारा फ्राई करना है, इसलिए इसे हमने थोड़ा लाइट ब्राउन होने पर ही निकाल लिया है। इस तरह से आप सभी पकौड़ों को तल कर एक साथ रख लें। अब तेल को वापस से खूब तेज गर्म करें और इन्हें तले हुए पकौड़ों को वापस इसमें डालें। हमें 1 मिनट के लिए इसमें तलना है और इन्हें कंटिन्यूस हिलाते रहें ताकि ये जले ना और सब तरफ से इवनली फ्राई हो। ऐसा करने से इनमें कलर भी अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी भी अच्छे बनेंगे। अब इन्हें बाहर निकालें और गर्मा गर्म हरी चटनी और टमाटर सॉस के साथ में सर्व करें। देखिए कितनी जल्दी से और झटपट तैयार है हमारे सरप्राइज पकौड़े। इन्हें बनाएं, खाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।